आज हम 4440 आईसी का एम्पलीफायर बनाना सीखेंगे। डबल आईसी 4440 लगी हुई है इसमें। सबसे पहले बोर्ड बनाएंगे, तो आइए शुरू करते हैं। पहले हमने ये बोर्ड बनाया था, और जो बोर्ड बनाएंगे उसमें और इसमें ये अंतर है कि बेस टेबल में उसमें 2 ट्रांजिस्टर थे, इसमें 4 ट्रांजिस्टर हैं। पीसीबी उसी तरह से बनाएंगे जैसे बनाया था पहले। कुछ देर सोल्यूशन में डाला, फिर निकाल लिया, उसके बाद थिनर से साफ़ कर देते हैं। साफ़ करने पे तैयार है। अब शोल्डर मास्क कर देते हैं इस पर। फिर इसे सूखने के बाद ऊपर की साइड से भी प्रिंट कर देते हैं। जो सर्किट नीचे है वो ऊपर से भी दिखेगा। इसे सुखा लेते हैं। तैयार है आपका पीसीबी। ये हमारे कंपोनेंट्स, नीचे लिस्ट भी दे दिए मैंने, आप लिस्ट में देख सकते हैं। और पीसीबी लेआउट के लिए भी पीडीएफ फाइल भी नीचे दे रखी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब बोर्ड की माउंटिंग करते हैं। सबसे पहले लगाते हैं 2 पीस 150 ओम। चार 15 के दो हैं 220 ओम। पांच पीस है 2.2 ओम, हाफ वाट में ही। चार पीस है 470 के, दस पीस है 4.7 के। फोर के सेवन भी बोलते हैं इसे, फोर के सेवन भी बोलूँगा कभी तो आप समझ जाना कि 4.7 के है। छह पीस है 47 के, तीन पीस हैं बन के। और ये जो लगा रखी है एक एलईडी के लिए दे रखी है हमने, बोर्ड में लगा देंगे हम। आप चाहें तो इसे ना लगाएं अगर बोर्ड में लगी है आपके तो। उसके बाद दो पीस लगाएंगे 150 के। दो पीस 102 PF। दो 104 PF। छह पीस 10 के रेजिस्टेंस। दो 403 PF।
चार पीस 222 पीएफ। चार ट्रांजिस्टर 548 बी। दस पीस लगाएंगे कैपेसिटर 100 यूएफ में 25 वोल्ट। और 10 पीस लगाएंगे 4.7, ये 50 वोल्ट में आते हैं, कम वोल्ट के भी हो तो भी चल सकते हैं यहाँ पर। तीन 470 16। एक पीस है 1025, आप चाहें तो कम वोल्ट का भी लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 5 वोल्ट ही आएंगे, 10 वोल्ट का भी चल जाएगा। तीन पॉइंट शॉर्ट करने इसलिए टिन वायर लगा देंगे, जम्पर वायर बोलते हैं, टिन वायर भी बोलते हैं, लगा देंगे। या रेजिस्टेंस की कटिंग भी लगा सकते हैं आप, रेजिस्टेंस थोड़ी लंबी होती है। चार पीस हैं 104 पीएफ, ग्रीन वाले लगाएंगे पॉलिस्टर में। बाकी के जो पहले लगाए हमने पीएफ 222 पीएफ 403 पीएफ, वो भी आप पॉलिस्टर लगा सकते हैं, जैसे हमने 4141 का बोर्ड बनाया था उसमें लगाए थे। पांच पीस लगाएंगे 5408 डायोड, चार के पॉइंट नीचे की तरफ करेंगे। इसका पॉइंट रखेंगे ऊपर की साइड, जो बैटरी के कनेक्शन के लिए जाएगा इसका पॉइंट। एक लगाएंगे 7805, हीट सिंक में कस लेते हैं ये। एक लगाएंगे 4725, उसके बाद कटिंग करेंगे, उसके बाद फिर सोल्डिंग करेंगे।
78.05 की हीटसिंक के लिए पेच लगा देते हैं, ना भी लगाएं तो भी चलेगा। उसके बाद लगाएंगे 24440 आईसी। कंपाउंड लगा लेंगे, मुझे बाद में लगाना पड़ा। अब लगाएंगे हम हीट सिंक। ये स्क्रू है 1/8 आधा इंची। अब नट लगा देंगे, 1/8 का नट ही बोलते हैं इसे। अब इसे टाइट कर देंगे, आपके पास पाना है तो इससे टाइट कर दें, नहीं तो प्लास से भी टाइट हो जाएंगे पेच। अब हम टोन लगाएंगे पीसीबी पर। ये हमने पीसीबी बनाया था ग्रीन मास्किंग में, आपने देखा होगा, वॉल्यूम बेस ट्रेबल के लिए और इस स्विच के लिए है, और एक हिस्सा है एलईडी के लिए। एलईडी बनाएंगे इसमें हम। अब कनेक्शन देखेंगे पोटेंशियोमीटर के। ये राइट वाला चाइनीज डूल है, सीधे सीधे ही कनेक्शन लगेंगे, कलर कोई सा भी हो वायर का उससे कोई मतलब नहीं है। और इसमें थोड़े घुमा के लगेंगे और कलर कोई भी चल जाएगा। कनेक्शन याद रखने हैं आपको। हमने पीसीबी बना रखा है इसके लिए, ये ऐसे लगाएंगे अभी, और कनेक्शन इसके सीधे रहेंगे, कलर कोई भी हो। जैसे ये ड्यूल सीधा सीधा है, इसी तरह से पैनल में भी लगे रहते हैं। उसे जिक लगा के यूज करते हैं। जैसे ये है, इस बोर्ड में सीधे कनेक्शन है। अगर आपके पास ऐसा पैनल है तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस बोर्ड को। बस इसका उल्टा सीधा ध्यान रखना है, वैसे काम में आ जाएगा। फिलहाल हमें ये नहीं लगाना है, हमें दूसरे लगाने हैं, तो ये हटा देते हैं। अब हमारे डुल तैयार हैं, अब इसकी वायरिंग करेंगे। वॉल्यूम के लिए ले रखा हमने 22K, और बेस टेबल के लिए हैं 100K। आप चाहें तो 47K लगा सकते हैं, 50K में भी आता है, 50K भी लगा सकते हैं। ऐसे सीधे सीधे लगा देना है, ये लगा के दिखाते हैं आपको।
ये नीचे से लगा दिया हमने, चाहे तो आप ऊपर से भी लगा सकते हैं। वायर को लंबी छील कर ऊपर से पीसीबी में आप डाल देंगे होल के अंदर, नीचे से सोल्ड कर देंगे तो भी ऐसे भी लगा सकते हैं। तो इस वीडियो को मैंने ज़्यादा काटा भी नहीं है और फास्ट भी नहीं किया है, विस्तार से बताने की कोशिश की है जो कि आसानी से सबके समझ में आ जाए। अब तैयार है आपका ऑडियो बोर्ड और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एम्पलीफायर बनाते हुए, एम्पलीफायर असेंबल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दिखाने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।